नमस्कार, यूपी न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र यादव, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर पूरी केंद्र सरकार को हिला देने वाले भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे क्योंकि कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में आने को लेकर, लखनऊ में आने को लेकर हाल ही के दिनों में जो है बीजेपी की तरफ से कई सारे जो है कार्टून भी वायरल हुए, लेकिन आज टिकैत साहब यहाँ लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में बैठे हैं और यूपी न्यूज के खास शो में बैठे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। टिकैत साहब, बहुत सारा जब आपने जो है कहा था कि हम लखनऊ आएंगे, अब की बार लखनऊ कूच होगी, तो बीजेपी आईटी सेल की तरफ से एक कार्टून को बहुत वायरल किया गया था, बोला गया था बक्कल उतार देंगे, लेकिन आज आप लखनऊ में हैं, क्या कहेंगे? अरे, जो तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं वो कार्टूनिस्ट रखें, वो पैसे लें, वो उसका कार्टून बनाऊ जा, उस कार्टून पे मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए था। इस तरह के कार्टून अगर छप रहे हैं, वे मुख्यमंत्री सबके हैं। क्या मुख्यमंत्री की भी सहमति इसमें थी या बगैर उनके इस सहमति के छाप रहे? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश के हर आदमी को यहाँ पर आने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है, जो उसकी समस्या उत्तर प्रदेश की होगी वो कहने का अधिकार है। हमारे इशू है यहाँ के, यहाँ पे आना भी पड़ेगा, अधिकारियों से भी मिलना पड़ेगा, आंदोलन भी करने पड़ेंगे। कोई ये कोरिया तो है नहीं कि यहाँ पे आंदोलन पे मीडिया पे उस पर सेंसर बोर्ड लग रहा कि अपनी बात कह ही नहीं सकते, लेकिन कार्टून के माध्यम से उन्होंने जो सरकार की जो पोजीशन है वो उसमें दिखाई गई है कि आंदोलन करने वालों को लाठी डंडों से घसीटा जाएगा, बाल पकड़ के खींचे जाएंगे, उनकी पगड़ी नीचे जाएगी। तो ये एक सरकारी गुंडागर्दी है, उस कार्टून में दर्शाया गया है। तो ये चेहरा अगर सरकार का है तो उस चेहरे के लिए तो भाई हम तैयार हैं, उसके लिए तो आंदोलन हो रहा। पिछले 8-9 महीने से दिल्ली को घेर रखा है, लखनऊ कोई दिल्ली से बड़ी जगह तो है नहीं, आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी होंगे। अच्छा, यूपी में आने की क्या मंशा है, क्या इश्यूज हैं? जैसे आप बता रहे कुछ इश्यूज हैं, क्या किसी से बात हुई अभी? इशू क्या है कि यहाँ पे आलू का किसान का बड़ा इशू है, बाजरा गेहूं धान मक्का MSP पे खरीद नहीं होती, दालें, ये एक बड़ा इशू है। गन्ने का एक बड़ा इशू है, उसका भी करीब 12,000 करोड़ रुपए का से भी ज़्यादा का बकाया यहाँ पे है। अभी हिसाब किताब कुछ नहीं देंगे ये, ना बताएंगे। 14 दिन में गन्ने का भुगतान होता है, उसका ब्याज होता है, क्या ब्याज माफ़ करने की पावर कैन कमिश्नर को है? लेकिन किसान के गन्ने का अगर भुगतान एक साल में होगा तो उसका माफ़ करने की पावर कैन कमिश्नर को है? भाई हमारे सवाल हैं, हरियाणा में बिजली 35 रुपये आस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 रुपये आस पावर है, क्या उत्तर प्रदेश में उत्पादन होने वाली चीज़ फसलें ज़्यादा महंगे रेट में बिकती हैं? फसलों का रेट सस्ता है, बिजली के रेट महंगे हैं, तो ये हमारे इशू है, इन इशू के लिए हमको आना पड़ेगा। क्या किसी से बात हुई योगी आदित्यनाथ से या बीजेपी के किसी से जो है मीटिंग, कोई बात हुई अभी? कह रही है कि अगर बीजेपी से तो जब बात करें, बीजेपी की सरकार हो, देश में अगर उनकी सरकार होती तो वो तो बात कर लेते हमसे, जब देश में बीजेपी की सरकार ही नहीं है, जब आपके चैनलों पर बड़े बड़े अखबारों में विज्ञापन छपे तो क्या छपता था विज्ञापनों में, क्या छपता था? अब की बार किसकी सरकार, एक आधा सब तो आप भी बता दो, जब बीजेपी की सरकार है ही तो उनसे कहीं की बात करें? हम तो भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है उनसे बात करते हैं, जो उसके चुने हुए मंत्री होंगे भारत सरकार के। बीजेपी एक पार्टी है, उससे कहीं की बात करो तो एक पार्टी है, उसकी गैल तो आमना सामना होगा तो होगा। हम बातचीत करते हैं भारत सरकार से, किसी भी स्टेट सरकार से, उसके मंत्री से, उनके मुख्यमंत्री से। अभी तो नहीं, यहाँ कौन किसानों को टाइम दे रहा, भारत सरकार 9 महीने हो गए वह नहीं मिल रही, पिछले 6 महीने तो सरकार गायब ही होगी।
वे काले कानून लेकर आए हैं। हमने कहा कि इनको बदल दो, इनको वापसी ले लो, एमएसपी पे गारंटी कानून दे दो, वो नहीं दे रहे। लगता क्या है, क्योंकि बहुत लंबा आंदोलन आपने किया, हमको नहीं लगता हिंदुस्तान में इतना बड़ा आंदोलन कभी करना पड़ा है किसानों को, लेकिन अभी भी सरकार नहीं झुक रही, आपके जो मांगे हैं उनको नहीं मांग रही है, आखिर वजह क्या, आपको क्या लगता है? मान जाएगी, एक आध साल में मान जाएगी। ये वैचारिक क्रांति है, दुनिया में जब भी वैचारिक क्रांति हुई वो क्रांति परिवर्तन जाती है, ये तो विचार की क्रांति है। हमारी फसलें और नस्लें बचाने का आंदोलन है। रोटी बाजार की वस्तु ना हो, रोटी तो जरूरत की वस्तु है। तिजोरी में रोटी बंद नहीं होगी, अनाज गोदाम में बंद नहीं होगा, हमको भाव चाहिए। एमएसपी पे एक ही जिले का कल आंकड़ा दिया है, रामपुर में सबसे ज़्यादा खरीद उत्तर प्रदेश में रामपुर में हुई, उसका पैदावार भी देख लेते कितनी हो रही रामपुर में। नीचे अधिकारी से लगा कर ऊपर तक सब अधिकारी इन्वॉल्व हैं। करीब 200 करोड़ रुपए का घपला अकेले रामपुर में है एमएसपी पे। जो धान बिहार में पैदा होता है, जो मिर्जापुर सोनभद्र में पैदा होता है, वो रामपुर में बिकता है। एक बार जांच कर ले मुख्यमंत्री जी उसकी। एक आरोप भी लगने शुरू हो गए, जो आरोप आप पे ये लगने शुरू हो गए कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वहाँ विपक्ष की तरफ से राकेश टिकैत वहाँ पहुँच जाते हैं, एक समा बांधने लगते हैं विपक्ष के फेवर में। पहले आप बंगाल पहुँचे, अब जब यूपी का चुनाव है तो यूपी में आके। बंगाल में तो हम किसी विपक्ष के उसमें तो नहीं गए, कहाँ गए, किसने कहा बताओ, कहाँ गए बंगाल में हम? बंगाल आप गए थे वहाँ पर, जो विपक्ष के उसमें थोड़ा गए हम, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से मिलने गए बंगाल के, और बीजेपी को ये कहने गए थे वहाँ किसानों से मिलने गए, जब पहले चुनाव से पहले वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे वहाँ से। हमने कहा अभी इस चावल की एमएसपी मांग लेना तुम, एक मुट्ठी चावल के बदले में वोट भी मांग रहे थे साथ ही। हमने तो ये कहा भाई ये जो चावल मांग रहे, एक मुट्ठी चावल, इसकी एमएसपी है भारत सरकार ने तय कर रखी, भारत सरकार अब आपके दरवाजे पर आ रही तो उसको कहना जी 1880 रुपये हमारा रेट है, जरा वो भी दे दुआ दो इसका, तो ये कहने गए थे हम तो। कांग्रेस शासित राज्यों में आपकी चहलकदमी नहीं देखी जाती ना, ऐसा नहीं है हमारा, हम सब जगह जाते हैं। अभी तमिलनाडु में किसकी सरकार है, वहाँ पे भी 3 दिन हम रहेंगे, कर्नाटक में भी रहेंगे, अभी मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं 17 तारीख को। यूपी को लेके क्या तैयार किया, क्या यहाँ पर भी राकेश टिकैत मांगों को लेके आंदोलन करेंगे लखनऊ? आंदोलन होगा, बातचीत होगी, अपनी पंचायत करेंगे, पहली पंचायत उत्तर प्रदेश में बड़ी जो पंचायत होगी वो 5 सितंबर की है, मुजफ्फरनगर से शुरुआत करेंगे इसे, और वहाँ से फिर आगे ये कर रहे हैं कि 18 मीटिंगें यहाँ पर रखें हम मंडल वाइज, और उसके बाद में फिर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती रहेगी अपना जाते रहेंगे। आगे का क्या प्रोग्राम है, क्या राकेश टिकैत जो है क्या किसी दल से, क्योंकि जाहिर सी बात आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, क्या अगर कोई दल आपको जो है विधानसभा में या लोकसभा में भेजने की वो करेगा, क्या राकेश टिकैत फिर चुनावी मैदान में? ना ना, हम चुनाव लड़ते नहीं, हम तो उस बीमारी से दूर हैं भाई। सरकारी सेवा में भी रहे उसके बाद, सरकारी पुलिस में रहे हम, उनकी भी आवाज़ हम उठावे, उनका भी क्वार्टर छोटा है पुलिस का, 500 स्क्वायर फीट में रह सके क्या कोई? आप कभी पुलिस के क्वार्टर में गए कभी, आप देखा हो? वो लेकर नहीं जा सकते अपने माँ बाप को, पुलिस का सिपाही अपने क्वार्टर में नहीं ले जा सकता, उसको भी 1500 स्क्वायर फीट का क्वार्टर दे दो, उसकी भी क्रिटिकल मिस्टेक हो रही है, उसको भी ठीक कर दो भाई। हिसाब किताब अगर उनका गलत हो गया कोई तो उसको भी ठीक कर दो ना उसको, उनकी भी तनख्वाहें कम हैं पुलिस की। आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कोई काम नहीं किया, कल देखिए कितना बड़ा जो है योजना के तहत जो लोगों को मुफ्त राशन वितरित किया गया, 2-2 किलो अनाज दिया, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाई, मुफ्त मौत, बगैर ऑक्सीजन के मुफ्त में मौत दी, तो वो भी तो राज्यसभा में बता रहे हैं कि ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई। और भाई देखो, इनको गोल्ड मेडल देंगे हम सरकार को, पूरी दुनिया में झूठ पे गोल्ड मेडल अगर कोई जीतने में कामयाब होगा तो भारत सरकार जीतेगी।
देंगे इनको गोल्ड मेडल, झूठ बोलने पे गोल्ड मेडल इनको दिया जाएगा, देंगे गोल्ड मेडल, बड़ा देंगे गोल्ड मेडल। यूपी में आगामी 6 महीने बाद ही चुनाव है, आपको क्या लगता है जो किसानों की बात सुनने वाला कौन सा ऐसा दल आपको लगता है जो किसानों के लिए फायदेमंद है? भाई हमें तो देखिए पता नहीं कौन सा फायदेमंद है, आंदोलन ही करते रहे। मायावती ने 80 रुपये बढ़ाया था गन्ने का भाव, अखिलेश यादव ने भी 40-50 रुपये बढ़ाए थे, योगी जी उनसे कमजोर तो नहीं लगते दोनों से? भाई बात तो बहुत बतावें तो जरा उसको कागज पे भी ले आवे। 100 रुपये का रेट तो इनको बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। बिजली के दाम भी हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहरलाल खट्टर, वहाँ पर 10 सीटें हैं, यहाँ पर 80 सीटें हैं, बड़ा प्रदेश है तो उनसे कम रेट रहना चाहिए बिजली का, वहाँ 35 रुपये हाउस पावर, यहाँ 175। तो योगी जी तुम तो कमज़ोर तो नहीं मुख्यमंत्री, यहाँ का उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश और हरियाणा से कमज़ोर कैसे हो जाएगा? जिस तरह से आपने वहाँ पे किसान आंदोलन किया, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल क्षेत्र में जो किसान है, बताया जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, बहुत ज़्यादा मांगों को लेके आगे नहीं आ पाता है, आप यहाँ आंदोलन की बात कर रहे हैं तो कैसे जोड़ेंगे किसानों को ताकि वो अपनी बात बीच में जाएंगे, उनको बताएंगे? आज बिहार के किसान हमको मिले थे, वे मजदूर हैं, बिहार का किसान है वो वहाँ पर जाकर मजदूर बनता है दूसरे स्टेटों में, वे मिले थे आज लोग, उसकी एक वीडियो हमने बनाई, उन लोगों को भी जोड़ेंगे जो पूर्वांचल के जो लोग हैं वे गरीब हैं, उनको भाव नहीं मिलता तो उनको आंदोलन से जोड़ेंगे उनको। चुनाव को लेके आगे चुनाव है यहाँ पर, आपका आंदोलन भी 5 सितंबर से शुरू होने वाला है, आगे चुनाव है तो क्या आंदोलन का स्वरूप क्या रहेगा, क्या मांगे हैं आपकी मेन अहम उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों में अलग जो किसानों की बात है तो क्या स्ट्रेटजी है आपकी पूरी? उत्तर प्रदेश में बात होगी तो यहाँ पे गन्ना है, आलू है, फसलें हैं, MSP पे भी क्या बिजली का रेट है, ये इशू बड़े यहाँ पे रहेंगे। नौकरी का सवाल है, नौजवान का सवाल है। अगर हम उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ के बड़े अलग इशू है, वहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी का इशू है, वहाँ से किसान और जो मजदूर है वो प्लान कर रहा है नौजवान, वो कैसे वहाँ पर रुका उसका वहाँ पे इशू है। वहाँ पे आरक्षण का इशू रहेगा, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको SC ST कैटेगरी में डाला जाए, जो वहाँ की फसलें पैदा होती है उसको भारत सरकार जो उत्तर वहाँ की उत्तराखंड की जो सरकार है वो उसको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी दे, तो हर स्टेट में अलग इशू रहेंगे। 9 महीने से ऊपर का समय हो गया, लगातार किसान वहाँ पे बैठा हुआ है, सरकार से बातचीत कोई हो नहीं रही है, तो ये कितना लंबा युद्ध चलेगा? क्योंकि कल जब आप निकले हैं तो एक खास बात हम लोगों ने देखी कि वहाँ से बिगुल बजा के आप निकले हैं, जब युद्ध होता था जो बिगुल बजता था तो ये लखनऊ क्या कहती? युद्ध ही तो लड़ रहे हैं हमने सर्दी से युद्ध लड़ा, गर्मी से युद्ध लड़ा, बरसात से युद्ध लड़ा, ये लखनऊ तो एक प्रोग्राम है आज और प्रेस के लोगों से बात करने जो ये बार बार कहते नहीं तो ये कहते रहते कि लखनऊ कब आओगे, तो लखनऊ आए, लखनऊ यहाँ पर जाएंगे और प्रोग्राम यहाँ पर करके और फिर चले जाएंगे, तो लखनऊ में वो आए कि भाई हम लखनऊ में आए, लखनऊ हमारा है, लखनऊ किसी की जागीर नहीं है, लखनऊ हमारा है। टिकैत जी ने ये बता दिया कि किसान डर हमारा है, लखनऊ जनता का है, लखनऊ उत्तर प्रदेश के लोगों का है, लखनऊ देश की जनता का है। आगे जो आंदोलन की रणनीति है, क्योंकि जो जिस तरह से राकेश टिकैत का आंदोलन पूरे देश और पूरे विश्व ने देखा, एक लंबा आंदोलन आपने किया, आखिरकार सरकार जो है एक बार आंदोलन को तोड़ने की कोशिश भी की आपके, लेकिन उसके बाद फिर बैकफुट में गई क्योंकि किसान आपके साथ जुड़े, तो यूपी में किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, कैसे जो है किसान सड़कों पर आए, कैसे अपनी मांगों को लेकर आए, कौन से अहम मांगे हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर रहे? यहाँ पर फसलों का बड़ा इशू है, MSP पे बिके, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी तो राज्य सरकार के हाथ में, जैसे ये लोग बोलते हैं कि वो केंद्र सरकार नहीं नहीं केंद्र सरकार के नहीं, यहाँ पे भी तो है ना, आप उस पर तो लो, अच्छा सस्ते में अनाज बिकेगा वो MSP पे बिकेगा व्यापारियों का, जो बड़ा घोटाला है उसकी जांच हो जाए, CBI जांच की उसकी हमने मांग करी है, तो ये तो राज्य सरकार ही करेगी ना। यहाँ पे गन्ने का भुगतान का मामला है, उसका भाव का मामला है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बिजली के रेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, तो ऐसे थोड़ा कि हमें करना नहीं और हमने देश पर छोड़ दिया कि वो करेगा। अच्छा मेरे एक आधे सवाल हैं, आप तो वही पढ़े लिखे आदमी, बहुत जगह रहो, बड़े बड़े चैनल चलाओ, देश में पार्लियामेंट बड़ा है या
व्यापारी बड़ा है देश में, कौन सा बड़ा है आपके हिसाब से जरा हमें बता दो। जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव के लोग पूछते हैं हमसे, हमने कहा कि मुझे कोई लोग मिलेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा देश में कौन बड़ा है। आपको क्या लगता है कौन बड़ा है हालात को देखते? हालात तो हमें तो व्यापारी बड़ा लग रहा, आपके हिसाब से कौन है? पार्लियामेंट बड़ी है। अच्छा, हाँ गाँव के लोग भी यही कहें कि बड़ी तो पार्लियामेंट थी लेकिन इस सरकार में व्यापारी बड़ा हो गया, क्योंकि कानून बाद में बने, व्यापारी ने अपने गोदाम पहले बना लिए। तो ऐसा तो नहीं कि व्यापारी पार्लियामेंट के अंदर घुस गया हो जैसे आतंकवादी घुस गए थे, ऐसा हो सके देश में? इस पर विचारणीय सब्जेक्ट है कि देश की पार्लियामेंट बड़ी थी, वह बड़ी रहनी चाहिए, लेकिन व्यापारियों को कैसा था कि हम कानून अपने पक्ष में बनवाएंगे, गोदाम बना लिए बड़े बड़े। आपका कहने का मतलब है, आखिरी सवाल है कि व्यापारियों की सरकार चल रही है, व्यापारियों की सरकार, ये सरकार मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनी, ये कंपनी राज को देश से जाना होगा। आपने भी तो वोट किया था मोदी जी को। मैं तो बता तो रहा कि कंपनी राज को देश से जाना होगा। अफसोस है अपनी वोटिंग पे? अफसोस तो ही, बिना अफसोस के क्या आंदोलन होता, हमने तो बताया भी दिया, बहुत तो बताते भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे राकेश टिकैती जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से एक बार फिर बताया, कहा जा रहा था, बीजेपी लगातार कह रही थी कि अगर यूपी में आएंगे, लखनऊ में आएंगे तो बक्कल उतार देंगे, लेकिन आज राकेश टिकैत लखनऊ में हैं और अपनी मांगों को लेकर 5 सितंबर से जो है यहाँ पर लखनऊ में भी किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के MSP को लेकर जो है 5 सितंबर से यहाँ पर जो है बैठकों का, आंदोलन का, धरनों का दौर शुरू होगा और किसानों को जोड़ेंगे भी। नमस्कार।